तो श्रीमद् भागवतम देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध। हरे कृष्ण युद्ध। सताना पततः शक्रस्ताविधा शीघ्र विक्रमः चिच्छेद निशित। ओके, यू वांट टू रिसाइट द वर्ड्स? कैसे होते हैं? वंस यू रिसाइट विल रिपीट एंड देन ओनली वंस। ओके, ओनली वंस ईच वर्ड्स और वी टेक ओनली ऑन वन क्लास। एक श्लोक पे लेते हैं या दो तीन श्लोक लेते हैं? तात्पर्य नहीं है, तुम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कई श्लोक आज के 42 से लेकर 45 कई श्लोकों का तात्पर्य नहीं है। जहाँ पे इसके पूर्व की बलि महाराज के बाण स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुँचे। बाणों के चलाते के पटु इंद्र ने हंसते हुए एक अन्य प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण भल्ल नामक बाण से उन्हें काट डाला। जब बलि महाराज ने इंद्र के दक्ष सैन्य कार्यकलापों को देखा तो वे अपना क्रोध रोक न सके। उन्होंने शक्ति नामक एक दूसरा हथियार ग्रहण किया जो महान अग्निपुंज की भांति ज्वलित हो रहा था, किंतु इंद्र ने इसे बलि के हाथ से छूटने से पूर्व ही खंड खंड कर दिया। तत्पश्चात बलि महाराज ने एक एक करके भाला, प्रास, तोमार, दृष्टि तथा अन्य हथियार चलाए, किंतु वे जो भी हथियार लेते थे उन्हें महान इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर देते थे। हे राजा, तब बलि महाराज अदृश्य हो गए और उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेना ने सिर के ऊपर माया के उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत की दावाग्नि से जलते वृक्ष गिरने लगे। उससे पत्थर की कुल्हाड़ियाँ जैसे तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड भी गिरने लगे, जिससे देवताओं के सैनिक के सिर चकनाचूर हो गए। कितने श्लोक लोग हो गए? 46 हो गया। ओके, ठीक है। तो बहुत प्रसन्नता है कि आप सबके बीच में आकर, दुनिया में ज़्यादा जगह नहीं है ऐसे कि अनेक भक्त सुबह रोज़ भागवतम का अध्ययन करने आते हैं, जो नित्यम भागवत से गया है बताया, जैसे आपका नाम, आपके ग्रुप का नाम भी वही है, पर यह भागवतम जो बताएगा अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है ये। तो इसलिए प्रभुपाद जी की बहुत कृपा हुई लगी आपको कि आप इस तरह से नित्यम पद्धति से भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आठवां स्कंध है इसमें हम देख रहे हैं कि देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा है, और जब असुरों का युद्ध हो रहा है तो काफ़ी एक तरह से रोमांचक है। इंद्र बलि महाराज पर पूरी तरह से हावी हो रहे हैं, और फिर जब वो देखते हैं कि कोई भी शस्त्र काम नहीं कर रहे तो बलि महाराज अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य होकर फिर मायास के रूप में आक्रमण करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने कुछ ज़्यादा तात्पर्य दिया नहीं है इसके लिए। तो प्रभुपाद जी जब शास्त्रों पे अपना तात्पर्य दिया करते थे तो उनका उद्देश्य एक होता था कि जो शास्त्रों का मूल सिद्धांत है उस पर जोर दें। तो शास्त्रों में ड्रामा है, शास्त्रों में वॉर है, युद्ध है, रोमांच है, नाटक है, नाट्यात्मक चीज़ें हैं, पर शास्त्रों की जो सिद्धांत जो है वह क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कई जगह पे जब कोई ऐसे केवल नाट्यात्मक चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा तात्पर्य देते नहीं है प्रभुपाद जी। दसम स्कंद में भी हम देखेंगे कई जगह पे जब युद्ध हो रहा है प्रभुपाद जी तात्पर्य देते नहीं हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि हम शास्त्रों का अध्ययन भी यदि करते हैं तो वो शास्त्रों के अध्ययन करते समय क्या महत्वपूर्ण है वह समझना है और उस पर जोर देना है। ये शास्त्र विशाल है, और ये विशाल शास्त्रों में अगर हम कोई छोटी सी चीज़ में खो जाते हैं तो फिर क्या होगा, शास्त्रों का जो मूल सिद्धांत है वो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। शास्त्रों में कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती है
जिनसे हमें लगा कि ये कैसे हो सकता है। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि उनके वो हवाई में थे अमेरिका में, और वहाँ पर उनके कुछ शिष्यों ने उनसे पूछा कि जब हम जो बुद्धिमान विद्वान लोग होते हैं जब उनसे बातचीत करते हैं, भागवतम के बारे में बताते हैं, तो फिर दशम स्कंद में बताया गया है कि महाराज उग्रसेन के देखिए बहुत ही विशाल मात्रा में बॉडीगार्ड्स थे उनके, बहुत ही विशाल मात्रा बताई है। तो वो विद्वान हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि इतने सारे लोग द्वारका में कैसे रह सकते थे, उनका घर कहाँ था, उनका शौचालय कहाँ था, कैसे रहे वो। तभी प्रभुपाद जी भगवान के दिव्यत्व का आधार लेकर जवाब दे सकते थे, भगवान कुछ भी कर सकते, भगवान के लिए क्या असंभव है। पर प्रभुपाद जी यहाँ पर जवाब दिया उन्होंने, बोले कि शास्त्रों में हजारों श्लोक है, सैकड़ों विषय है, तुमको विद्वानों से वही बात करने का मौका मिला क्या? मतलब प्रभुपाद जी का भाव क्या था कि हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो हमारे पास कम समय है, उनके पास भी कम समय है, उस समय में जो उनके लिए महत्वपूर्ण ज्ञान है वो देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि आपके एक विद्वान हॉपकिंस नाम का प्रोफेसर था, उन्होंने पूछा कि आपने जो भी शिक्षाएं दी है अगर उनसे संक्षिप्त में अगर हमें पता करना है, किसी को आपका शिक्षा पढ़ना है, तो आप संक्षिप्त में क्या बताओगे आपकी शिक्षा? तो प्रभुपाद जी ने भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक के बारे में बताया। दो श्लोक क्या है ये, धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर् लाभो जीवेत यावत् जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वहाँ पे कि ये तात्पर्य इसका कैसे देते हैं, श्लोक का अर्थ क्या है, धर्म ये अपवर्ग के लिए, अपवर्ग मतलब ये मुक्ति के लिए है। लोग साधारण से सोचते हैं धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म से हम अर्थ प्राप्त करेंगे, अर्थ से फिर काम की पूर्ति होगी, फिर उसके बाद भी मुक्ति होगी। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भागवतम का भाव क्या है कि सब कुछ जो हम करते हैं वो भगवान की भक्ति के लिए ही है। धर्म से अपवर्गस्य, धर्म करते हैं हम भगवान के मंदिर में आते हैं, हमारे जीवन में कुछ समस्याएँ होगी और वो समस्याओं का हल चाहिए हमको, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारा ये वो नहीं है वो नहीं है, तो वो सब समस्याएं हैं और उनका हल भी हम भगवान के पास ढूंढ सकते हैं। पर उस उद्देश्य से अगर हम भगवान के पास आते हैं तो हम भक्ति में ज़्यादा वृद्धि नहीं करेंगे, कि सिर्फ हमारी चेतना कह रही है कि ये समस्या का हल कब होगा, ये समस्या का हल कब होगा। तो इसलिए धर्मस्य अपवर्गस्य, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम कृष्ण भावना भावित है कैसे समझ सकते हैं, हम वे कहते हैं कृष्ण भावना की परिभाषा देते हैं, वो कई जगह पर अलग अलग परिभाषा देते हैं पर यहाँ पर बहुत ही सरल और बहुत ही सखोल परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप मंदिर में आते, अगर आप भगवान के सामने आते और भगवान का दर्शन कर रहे हैं आप, यदि तभी आपको लगता है कि भगवान मुझे पूछ रहे हैं आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग फॉर मी, अगर हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमें ये सवाल पूछ रहे हैं तो फिर हम कृष्ण भावना भावित हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो जब हम उस चेतना से भगवान के सामने आते हैं हमको लगता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, और जैसे हम किसी वरिष्ठ भक्त के पास मिल जाते हैं, उन्हें हम कुछ सेवा दी है, फिर हमसे मिलने आते हैं तो पूछेगा कैसे चल रही है सेवा, क्या हो रहा है, उस तरह से भगवान हमें पूछ रहे आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। अधिकांश लोग जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान से पूछे तुम आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, मैंने ये प्रार्थना की थी, मेरी ये समस्या थी, अभी उसका हल क्यों नहीं हुआ है। वो भी एक तरह से अच्छा है, किसी भी तरह से हम भगवान के पास आते हैं अच्छा ही है। इस तरह से भी लोग आते हैं भगवान उनसे उनके लिए कहते हैं कि वो सुकृतिना है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, जो मेरे पास किसी भी कारण से आते हैं वो सुकृति है। पर फिर भी अगर हमको शुद्ध भक्त बनना है, शुद्ध भक्ति की ओर जाना है, तो फिर सेवा भाव होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि वो जो है धर्म का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति है, वो अर्थ नहीं है। और अगर अर्थ आ भी गया, धर्मस्य अपवर्ग से नार्थो अर्थायोपकल्पते, जो साधारण धारणा होती है धर्म अर्थ के लिए, तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत में बताया गया है कि धर्म ये अपवर्ग के लिए, ये भक्ति के लिए ही है। और फिर अगर अर्थ मिल भी गया, ना अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, अगर आपको अर्थ मिल गया
तो वो अर्थ काम की पूर्ति के लिए नहीं करना है, वो अर्थ भी हमें धर्मई कांतस्य, हमें जो धर्म की पराकाष्ठा है, जो भक्ति है, उसके लिए इस्तेमाल करना है। और फिर हम सब में काम है, अभी काम के काम का एक अर्थ हो सकता है काम वासना, पर काम का दूसरा अर्थ हो सकता है कि इच्छा। हम सब में इच्छा है और इच्छा को हम कभी नाश नहीं कर सकते, हम भौतिक इच्छाओं को शुद्ध कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे, भागवत में बताया गया है, हमें सूत्र गोस्वामी बता रहे हैं कि कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवे तयावता, कि अपने काम जो है वह आप इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल मत करो, किस लिए करो, जीवे तयावता, अपना जीवन चलाने के लिए जो भी करना है उसके लिए करो। और फिर अपने जीवन के साथ क्या करो, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, कि अपना जीवन है यह तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व जिज्ञासा मतलब कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। इंग्लिश में कहते हैं द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू अ लाइफ, द पर्प द लाइफ ऑफ पर्पज इज बेस्ड ऑन नोइंग द पर्पज ऑफ लाइफ, द लाइफ ऑफ पर्पज इज बेस्ड ऑन नोइंग द पर्पज ऑफ लाइफ, कि हम अरे कुछ उद्देश्य के साथ जीवन जीना है, पर जीवन का उद्देश्य अगर पता नहीं है तो कैसे हम उस तरह से जीवन जिएंगे। तो जीवन का उद्देश्य क्या है उसका अन्वेषण करना और उसके बाद उसका उसके अनुसार जीवन जीना, यह जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इसे शास्त्र भागवत वेदांत सूत्र में बताया गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा कहते तत्व जिज्ञासा। तो यह जीवन का उद्देश्य है। अभी हम सब हमारे जीवन में सवाल पूछते हैं, अभी सवाल पूछते हैं हम, अभी मुझे नौकरी कब, अगर नौकरी नहीं तो नौकरी कब मिलेगी, नौकरी मिल रही है तो मुझे और सैलरी, मेरे जो तनख्वाह और बढ़ेगी कैसे, मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा, मुझे अच्छा घर कहाँ मिलेगा, मुझे अच्छा पार्टनर कहाँ मिलेगा, ये कहाँ होगा वहाँ का, तो ये सवाल हमेशा हमेशा जीवन में होते, इनको हम कह सकते हैं ऑपरेशनल क्वेश्चंस। ये जीवन में जीने के लिए ज़रूरी है इस प्रकार सवाल पूछना, हमको खाना है, रहना है, हमको रिश्ते चाहिए, तो ये ऑपरेशनल क्वेश्चंस है, ये ज़रूरी है। पर यही सवाल हम पूछते रहेंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा। तो ये ऑपरेशनल क्वेश्चंस के परे है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस मतलब मैं जी क्यों रहा हूँ, मुझे घर चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पर इन सब के साथ करना क्या है मुझे आता है, ये सब के साथ अगर यही मैं को मेरा उद्देश्य बना लूँगा तो फिर क्या होगा, वह तो हमेशा मेरे साथ रहने वाला नहीं है। ये सब कैसे है कि शरीर हमारी एक गाड़ी के समान है, और अगर गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, अब मिडिल ईस्ट में तो फ्यूल काफ़ी है फिर भी महंगा है फिर भी अगर फ्यूल नहीं है तो फिर गाड़ी कुछ काम ही नहीं करेगी। तो इसीलिए कहाँ पेट्रोल मिलेगा, कहाँ गैस मिलेगा, तो तुरंत में ढूंढना पड़ेगा। पर जब कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है उसके लिए फंक्शनली ऑपरेशनली जो है वो फ्यूल ढूंढना ज़रूरी है, गैस कहाँ मिलता है, पेट्रोल कहाँ मिलता है, ढूंढना ज़रूरी है और प्राप्त करना ज़रूरी है। पर ड्राइविंग का उद्देश्य ये नहीं है कि गैस ढूंढे, गैस कहाँ मिलता है ये ढूंढे, ड्राइविंग का उद्देश्य ये नहीं है कि अच्छा ये गैस स्टेशन में अभी गैस मिल गया, अभी अगला गैस स्टेशन कहाँ है, वहाँ पे जाके गैस ले लूँगा। ड्राइविंग का उद्देश्य ये है कि हमारा जो हमें जहाँ जाना है वहाँ ड्राइव करना है। तो उसी तरह से जो हमारी भौतिक ज़रूरतें हैं वो पूरा करना ज़रूरी है, उसके बिना हम उतने उतावले हो जाएंगे, गाड़ी चलेगी ही नहीं, वैसे हमारा मन शरीर काम नहीं करेगा, हमारी शारीरिक ज़रूरतें पूरे नहीं करेंगे। पर वो ज़रूरतें पूरे करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, पर उसके बाद में गाड़ी को कहाँ लेके जाना है, मेरा उद्देश्य क्या है। तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करना यह जीवन का उद्देश्य है। ये जो शरीर को अन्न कैसे देना, शरीर की ज़रूरतें पूरे कैसे करना, वह तो अपने आप ही सब जीव सवाल पूछते हैं और सब उसका सब जवाब ढूंढते हैं। पर जीवन का अंत में उद्देश्य क्या है, वह जो है वह वास्तव में सिर्फ मानव सोच सकता है। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये इस तरह से तत्व की जिज्ञासा करना यह जीवन का उद्देश्य है। जैसे ना अर्थो यश्चेह कर्म भी, और इसके अलावा वास्तव जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। तो अभी ये जो तत्व जिज्ञासा है ये इसका, तो अभी भागवतम भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो भागवतम पढ़ते समय भी ये तत्व जिज्ञासा का सवाल महत्वपूर्ण है। अगर ये तत्व जिज्ञासा का सवाल नहीं है तो फिर भागवतम में भी हम ऐसे अनेक चीज़ों में फंस जाएंगे जो हमें जो भगवान के स्मरण है उसे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे गुमराह कर देंगे।
अगर कोई व्यक्ति पूछेगा अरे ये जो ब्रह्मांड का वर्णन है पांचवें स्कंद में, ये कुछ समझ में नहीं आता है मुझे, मैंने विज्ञान के विज्ञान पढ़ा है उसमें ब्रह्मांड का वर्णन अलग दिया, यहाँ पे अलग दिया है, तो कैसे समझेंगे? अभी यहाँ पे हम देखना है कि वो ब्रह्मांड का वर्णन देने का उद्देश्य क्या है। वहाँ पे अभी जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान का स्मरण करने में मदद कर रहे हैं, उनकी मृत्यु जब होने वाली है 7 दिनों में, तभी उनको कुछ जियोग्राफी या कॉस्मोलॉजी का क्लास नहीं दे रहे हो। उनका उद्देश्य क्या है कि हाँ जियोग्राफी कॉस्मोलॉजी अगर कोई विद्यार्थी है वो पढ़ सकते, पर परीक्षित महाराज के लिए भगवान का स्मरण जरूरी है। तो जो ब्रह्मांड का भी वर्णन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि देखिए कैसे सारे ब्रह्मांड में जहाँ भी लोक है वहाँ धर्म के पालन है, वहाँ भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप वहाँ पर भागवत में वर्णन देखते हैं 5वें स्कंद के 16वें अध्याय से 25वें अध्याय में, वहाँ पर ब्रह्मांड का वर्णन है, पर अधिकांश क्या है इसकी ये मात्रा है उसकी ये मात्रा है वो वर्णन नहीं है कि यहाँ पे ये लोग रहते हैं और ये लोग इस तरह से भगवान की प्रार्थना करते हैं और फिर उनकी प्रार्थनाओं का वर्णन है। तो इसलिए हम भागवतम भी पढ़ रहे हैं तो हमें ये उद्देश्य स्पष्ट रखना चाहिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि जीवन का तत्व क्या है, वह कैसे समझे और वह समझने के शास्त्रों कैसे अध्ययन करें, उस भाव से हमें अध्ययन करना है। और इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी जब ये युद्ध हो रहा है, अभी युद्ध अच्छा है, रोमांचक है, एक्साइटिंग है, पर उसमें तत्व जिज्ञासा डायरेक्टली कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे श्लोकों पर ज़्यादा तात्पर्य दे नहीं रहे हैं। तो मैं 3 पॉइंट बोलूँगा। ये पहला पॉइंट था कि शास्त्रों का अध्ययन हम तत्व जिज्ञासा के लिए करते हैं, कुछ रोमांचक कहानी पढ़ने के लिए वगैरह नहीं। तो फिर कोई सवाल है किसी का इसमें अभी तक? बोलिए जी। छोटा सा, जैसे हम बोल रहे हैं तत्व जिज्ञासा, तो ऐसा कुछ होता है कभी कभी कि तत्व जिज्ञासा की वो ज्यादा चले जाते हैं तो जो प्रैक्टिकल सेवा है ना उसमें नहीं आ पाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना, मतलब तत्व जिज्ञासा का अर्थ क्या बोल रहे हैं? मतलब अच्छे से हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो जो भागवतम का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना वो तो हम कैसे अपनी लाइफ में जो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी है ये। ओके, तो अभी जब हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो कभी कभी हम तत्व जिज्ञासा में इतने फंस जाएंगे कि तो कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल सेवा नहीं करते हम। तो अभी क्या है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरत है। तो कुछ लोगों की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है और बौद्धिक जिज्ञासा भी ज़्यादा होती है, उनको सवाल आते हैं बहुत और उनको सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी है। पर कुछ लोग होते हैं उनको क्या, अच्छा समझ गया मैं कि भगवान की भक्ति करनी है, मैं आत्मा हूँ और भगवान मेरे पूज्य आराध्य देव हैं तो मैं भी भगवान की भक्ति करूँगा। तो वो जो जो लोगों को बौद्धिक अभी बौद्धिक क्षमता ये क्या है, ये केवल एक पूर्व कर्म से मिला हुआ एक गुण है। कुछ लोग शरीर से भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। क्या है 6 ऐश्वर्य? शक्ति, बुद्धि, सौंदर्य, वैराग्य, ज्ञान, ख्याति। तो अभी हम देखते हैं तो कोई व्यक्ति अपने धन भी है, धन, कोई व्यक्ति पूर्व कर्म से बहुत धनवान होगा, कोई व्यक्ति पूर्व कर्म से बहुत सुंदर होगा। तो अभी यह क्या है, ये उनके पूर्व कर्म से उनको मिल गया है तो अभी उसका भी वो इस्तेमाल भगवान की सेवा में कर सकते हैं। कोई किसी के व्यक्ति का रूप आकर्षक है तो लोग उनके ओर आकर्षित होते हैं और फिर वो अगर भगवान के बारे में बोलते हैं तो लोग उनके सुन सकते हैं अच्छी तरह से। किसी के पास धनवान है तो धन से भी लोग आकर्षित होते हैं तो फिर वो अगर भक्ति कर रहे हैं तो दूसरे भी उनसे भक्ति कर सकते हैं। तो बुद्धि भी जैसे है वह एक पूर्व कर्म से सब किसी को लोगों को ज़्यादा मिल जाती है, कुछ लोगों को कम होती है। पर अगर अभी बुद्धि का सार क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करना है, अगर वो भक्ति कर रहे हैं सब तो फिर वो बुद्धि ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल है कि हम अच्छा ये जानकारी कैसे विश्लेषण करें, ये जानकारी कैसे विश्लेषण करें। तो वो कुछ लोग ज़्यादा कर पाएंगे, कुछ इतना नहीं कर पाएंगे, पर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर किसी की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। मतलब किसी को सवाल आते हैं तो फिर उनको ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनको भी ऐसे सवाल आते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, बाकी जो जिनको शास्त्रों के अध्ययन में बहुत रुचि है उनको ऐसे भक्तों का संग चाहिए कि जो शास्त्रों के अध्ययन में रुचि है। किसी और व्यक्ति को अगर भगवान की पूजा करने में रुचि है, अच्छी बात है, वो भी तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो पर उनको अगर वो तो वो भगवान की पूजा कर रहे हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करें, बोलेंगे अरे आप शास्त्र कुछ स्मरण करो, कुछ लोग याद करो, कुछ समझो ये, और वो बोलेंगे कि
शास्त्रों का सार है भगवान की पूजा करना, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे? तो भी दोनों सही है, भक्ति में ऐसे नहीं है कि एक ही चीज सही है। पर क्या नहीं करना चाहिए हमें कि शास्त्रों के अध्ययन का कारण लेके सेवा को टालना नहीं चाहिए। मतलब कुछ कि अभी मैं शास्त्रों का अध्ययन कर इसलिए मैं सेवा नहीं करूँगा, ये सेवा नहीं करूँगा, ये सेवा नहीं करूँगा। हमें सेवा के लिए भी समय होना चाहिए, शास्त्रों के अध्ययन के लिए समय होना चाहिए। और अगर अच्छी अगर लाइक माइंडेड एसोसिएशन मिल जाता है, जो ऐसे भक्तों का संग मिलता है जो भी शास्त्रों के अध्ययन में रुचि लेते हैं, तो फिर ये आसानी से हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। जिस रूम आपका सवाल था कुछ, जैसे मैंने सुना था महापुराण है भगवतम, और उसका हर एक शब्द मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर महत्वपूर्ण है, तो अगर इसमें आ रहा है वर्णन किसी का भी तो मतलब ओके, बात सही है, अच्छा सवाल है ये कि भागवतम महापुराण है तो उसमें हर एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, तो क्या उसमें हर एक चीज़ का वर्णन जो आ रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है? ज़रूर महत्वपूर्ण है। देखिए महत्व यहाँ पे हमें दो पद्धति से देखते हैं कि देयर इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड देयर इज कॉन्टेक्चुअल वैल्यू। अभी अंतरंग रूप से कोई चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी मान लीजिए कोई अस्पताल में कोई दवाई की दुकान में जाता है तो हर दवाई वहाँ पे महत्वपूर्ण है, पर अगर मुझे खांसी है तो मेरे लिए खांसी की दवाई महत्वपूर्ण है, बाकी सारी दवाइयाँ महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे नहीं है, पर मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो। तो ठीक उस तरह से शास्त्रों में हर चीज़ जो है वो भगवान की स्मृति हमें बढ़ा सकती है, पर हमें देखना है कि क्या ये युद्ध का वर्णन सुन के मुझे भगवान की स्मृति हो रही है, या युद्ध का वर्णन सुन के मैंने बॉलीवुड के मूवीज में युद्ध देखा तो युद्ध याद आ रहा है मुझे। तो हमें देखना है कि हर एक चीज़ सारे शास्त्रों का सबका उद्देश्य क्या है, स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मर्तव्यम न चातुचेत, भगवान का स्मरण करना है। तो इसीलिए शास्त्रों में हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, पर मेरे लिए क्या चीज़ भगवान की स्मृति बढ़ाती है और उस चीज़ को मुझे जोर देना है। यहाँ तक अभी शास्त्रों में से बताया गया है कि खास करके हमारे परंपरा में जो राधा रानी का प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और जो उसका वर्णन है खास करके भागवत के रास पंच अध्याय में, तो हमारे आचार्यों ने उस पर बहुत ही विस्तारित रूप से अनेक ग्रंथ लिखे हैं, टिप्पणियाँ लिखी है, और इसका बहुत वर्णन किया है। पर प्रभुपाद जी बोला करते थे कि उन्होंने कृष्णा बुक में उन्होंने सारे 90 अध्याय दशम स्कंध बताए हैं और उसमें रासलीला की इच्छा रासलीला भी बताई है। प्रभुपाद जी बोला करते थे अगर आप रासलीला पढ़ रहे हो और उससे अगर आपका मन विचलित हो जाता है तो फिर आप मत पढ़ो। अभी तो क्यों मत पढ़ो? क्योंकि रासलीला से भगवान का स्मरण बढ़ना चाहिए, पर अगर उससे हमको लगता है ये पुरुष स्त्री साथ में आ रहे हैं और उससे हमें भोग की इच्छा बढ़ रही है तो फिर क्या होगा? हमें तभी अभी हम तैयार नहीं हो पढ़ने के लिए। हम फिर भी रासलीला को बहुत ही पुण्यवान मानते हैं, वो भगवान की परम लीला मानते हैं, पर अभी इससे मेरे भगवान का स्मरण नहीं बढ़ रहा है, इससे मुझे जो मेरी पूर्व वासना है उसका स्मृति बढ़ रही है, तो इसे तभी नहीं पढ़ूंगा मैं। तो इस तरह से रास पंचाध्याय क्यों भी क्यों ना हो, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करते समय हम किसी भी चीज़ को कम महत्व का नहीं मानते हैं, पर देयर इज इम्पोर्टेंस एंड देयर इज रेलिवेंस, कि हर चीज़ महत्वपूर्ण है पर हर चीज़ मेरे लिए रेलिवेंट, मेरे लिए अभी महत्वपूर्ण है क्या, मेरे लिए मेरे भगवान की स्मृति के लिए अनुकूल है कि नहीं, वो देखना है मुझे। ओके, तत्व जिज्ञासा इज फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। ओके, थैंक यू। There are two other points you said you want to cover. Yes, thank you. तो यहाँ पे भी हाँ दूसरा पॉइंट ये था कि अभी इस श्लोकों में देखते हैं कि बलि महाराज पहले सीधा आक्रमण करते हैं, पर जब उनका सारा बलि प्रतिकार कर देता है, इंद्र प्रतिकार कर देते हैं, तो बलि महाराज क्या करते हैं, तभी माया का अस्त्र इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं देखूँगा कि यहाँ पे जो है हम बलि जो अभी युद्ध कर रहे हैं एक असुर के समान युद्ध कर रहे हैं, वो जो है उनकी भक्ति बाद में जागृत होगी। अभी यहाँ पे जो है पूर्णतया एक असुर के भाव से इंद्र को हरा कर इंद्र का वध करके इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए वो युद्ध कर रहे हैं। तो इसमें बाद में वहाँ तक कि इंद्र उनका वध कर देंगे, शुक्राचार्य उनको पुनः जीवित कर देंगे,
और फिर पुनः वो इंद्र पर आक्रमण करेगा, इंद्र को प्रयास कर देंगे, और फिर बाद में वामन देव आएंगे, और फिर तभी वह उसके द्वारा वे जब वामन देव के शरण में जाएंगे तभी उनकी भक्ति जागृत होती है। तो अभी इस कैसे होता है कि हम सब अभी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की साधना कर रहे हैं, हम जप करते हैं, सेवा करते हैं, पर इसके साथ साथ क्या है कि हमारे अंदर में भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति प्रेरणा जो होती है वो धीरे धीरे जागृत होती है। अभी कभी कभी हम किसी को मंदिर में बुलाते हैं, सत्संग में बुलाते हैं, और वो आते हैं और वो हमसे भी अधिक तीव्रता से भक्ति करने लगते हैं। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वे शायद उन्हें पूर्व जन्म में कुछ भक्ति की है, और अभी हमने शायद अभी तक 10% भक्ति की है, पर वो पूर्व जन्म में शायद 50% तो पहुँच गए। तो अभी जब जागृत हो जाती है उनकी भक्ति तो वो 51% से चले हो जाते हैं। फिर तो फिर क्या होता है उसी तरह से, पर जब आच्छादित होती है वो तब तक ऐसे लगता है कि वो भक्त है ही नहीं। तो जब आच्छादित होती है तो व्यक्ति भौतिकवादी व्यक्ति के रूमानी कार्य करेंगे। तो अभी अभी क्या है, बलि जो है उनकी भक्ति आच्छादित है, और बाद में बताया गया जब ब्रह्मा जी और प्रहलाद जो है ये बलि महाराज बलि के दादा है, विरोचन उनके पिता है और बलि प्रहलाद उनके दादा है। तो प्रहलाद बाद में बताया गया कि जो धन है, धन के इच्छा के कारण, धन के घमंड के कारण, धन के वासना के कारण बलि की चेतना, बलि महाराज की चेतना आच्छादित हो गई थी। पर अभी हे वामन जी से प्रार्थना करके आपने उनका धन निकाल लिया, तो अभी उनकी जो चेतना का आच्छादन है वो चला गया है। तो इसलिए जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो क्या होता है, वो कार्य क्यों कर रहा है हमें समझना काफ़ी मुश्किल होता है। हम क्या है, एक दूसरों का सिर्फ हम दूसरों का एक कार्य देख सकते हैं, हम एक दूसरों का विचार नहीं देख सकते। हम एक दूसरों का क्या ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहे हैं, हम एक दूसरे क्या विचार कर रहे हैं ये देख नहीं सकते। और एक दूसरे का विचार न देख पाना यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या अगर हम एक दूसरे का सब विचार देख पाएंगे तो एक भी रिश्ता टिकेगा नहीं। तुम ऐसा सोचते हो, तुम्हारे बारे में मेरे मन में, तुम्हारे बारे में मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं, तुम्हें ऐसी वासनाएं आती है, तुम ऐसे व्यक्ति हो, तो क्या है विचार आएगी और जाएगी, पर हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे होता है कि सागर में हेम शिखर, आइसबर्ग हेम शिखर जैसे होता है, तो उसमें जो थोड़ा सा बर्फ आपको ऊपर दिखता है और बहुत सारा बर्फ नीचे होता है, तो क्या है हम जब देखते हैं उतना सा ही बर्फ हमको ऊपर दिख रहा है पर नीचे बहुत सारा बर्फ है। तो कभी क्या होता है, कुछ लोग ऊपर से दिखते भौतिकवादी है पर अंदर से बहुत सारा अध्यात्म है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ऊपर से अध्यात्म है पर अंदर से पूरा भौतिकवाद है। तो इसीलिए क्या है कि बाह्य रूप से कार्य करना महत्वपूर्ण है, और वो कार्य करने से हमें शुद्ध होना है। पर भक्ति करनी है मतलब क्या है, न केवल बाह्य रूप से भक्ति है पर अंतरंग रूप से भी भक्ति है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर से भक्ति कर रहे हैं पर अंतरंग अंत से बहुत भौतिकवाद अभी तक है। ठीक है, वो ऐसे हम भौतिकवाद को तुरंत छोड़ नहीं सकते, पर कम से कम जो उद्देश्य है हमारा वो शुद्ध करना है। ऐसे नहीं है कि मुझे जो बाह्य रूप से भक्ति कर रहा हूँ सिर्फ वो दिखाने के लिए करना है और अंदर से परिवर्तन करने की इच्छा भी नहीं है। एक बार एक भागवत कथाकार थे, उन्हें प्रवचन दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, भागवत कथा में भागवत कथा के साथ बहुत कुछ और भी डाल देते हैं, तो कुछ लोग आयुर्वेद डाल देते हैं, कुछ और कुछ डाल देते। तो व्यक्ति ने ये प्रवचन करता करते प्रवचन दिया और उसमें बोला पूरा वो आलू की बदनामी कर दी उन्होंने, आलू बहुत बुरा है, इससे ऐसा होता है वैसे होता है, आलू कभी नहीं खाना चाहिए। और फिर उस दिन ऐसे हुआ था कि वो प्रवचन के बाद जो प्रसाद था उसमें आलू की सब्जी था। तो फिर क्या हो गया, और वो आलू की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी हुई थी। तो फिर अभी वो जो प्रसाद सर्व कर रहे थे और सबको आलू की सब्जी की, पर वो प्रवचन करता को अभी बोले आपने तो प्रवचन दिया था तो उनको आलू की सब्जी नहीं दी उनको। तो तभी क्या हुआ,
वो प्रवचन करता बोले अरे आपने मेरी सब्जी क्यों नहीं दी, बोले पर आपने तो व्यासासन पे कहा था कि आलू बहुत बुरा है, व्यासासन का आलू व्यासासन पे छोड़ दो आप। तो कई बार ऐसे होता है कि हम बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं पर करते समय कुछ करते नहीं है। तो ये जो हम जो तत्वज्ञान है, जो हमारा आचार है, अभी उसमें तो फर्क थोड़ा होगा ही, क्योंकि क्या है, हम उतने शुद्ध नहीं हैं। हमारे प्रचार और आचार में फ़र्क होगा क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, पर हमें शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। अगर जो आचार और प्रचार में जो अंतर है वो बनाए रखते हैं और उसके अंतर को कम करने का प्रयास नहीं करते तो हमारा ज़्यादा शुद्धिकरण नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर बलि महाराज जो है वो बाह्य रूप से एक असुर के समान कार्य कर रहे हैं पर अंतरंग में भक्ति है, और जब उचित परिस्थिति आ जाएगी तो वो उससे भक्ति जागृत हो जाएगी। इस पे किसी का कोई सवाल है? क्या प्रयास होना चाहिए शुद्ध होने का? शुद्ध होने के लिए कैसे हमें प्रयास करना है, इसमें शुद्धिकरण का मतलब क्या है? शुद्धिकरण का हम एक तरह से दो तरह से अर्थ देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारी बुद्धि से हमें समझना चाहिए कि मुझे शुद्ध होना है, कि ये जो इस प्रकार की इच्छा है, ये प्रकार की वासना है, ये अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले आता है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन, डिवोशनल एप्लीकेशन एंड मेंटल प्योरिफिकेशन। हमारी जो अभी जो विकार है, वासनाएं हैं, अशुद्धता है, वो कहाँ है? हमारे मन में है। तो हम शुद्ध वास्तव में आत्मा को शुद्ध नहीं करते, हमारे मन को शुद्ध करते। आत्मा हमेशा शुद्ध ही होता है, आत्मा हमेशा भगवान का अंश होता है। जैसे अभी ये जो लाइट है, ये सफ़ेद लाइट, ये ऊपर सफ़ेद लाइट है, तो आत्मा उस तरह से हमेशा सफ़ेद है। पर अगर इसके ऊपर हमने कोई लाल ग्लास डाल दिया तो उसमें से जो लाइट आएगा लाल आ जाएगा। तो ऐसे आत्मा के ऊपर जो मन है उसको आच्छादित कर रहा है, तो मन अशुद्ध है। तो हमें शुद्ध मन को करना है, और मन एक बालक के समान होता है, नटखट होता है हमेशा, कि जैसे बालक चंचल होता है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो बालक जो भी करना चाहता है वैसे वो माँ उसको करने नहीं देगी ज़रूरी, खास करके वो कुछ खतरनाक चीज़ करना चाहे, चाकू से खेलना चाहता है, अगर कोई बड़ी दिमाग से नीचे हकना चाहता है तो माता करने नहीं देगी उसको। उस तरह से क्या है, तो अभी जो माँ है या वो जो है हमारी बुद्धि के समान है, और जो बच्चा है वो मन के समान है। तो सबसे पहले हमें जीवन में क्या करना है, हम जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उससे बुद्धि हमारी सुदृढ़ होती है। बुद्धि सुदृढ़ होती है मतलब क्या है, जो बुद्धि है हमारी माँ के समान काम करने लगती है। मन उतनी आसानी से परिवर्तित नहीं होगा, बच्चे को बड़े होने में समय लग जाएगा, पर अगर मान लिया बच्चे को कुछ बीमारी है और एक कड़वी दवाई है तो वो बच्चा तो लेना नहीं चाहेगा और माँ भी नहीं चाहेगी कि बच्चे को कड़वा कुछ खिलाए। पर अगर डॉक्टर माँ को समझाता है तो माँ पहले समझ जाएगी, अच्छा ये जो दवाई लेंगे नहीं तो बच्चे को बहुत परेशानी हो सकती है, इसीलिए हमें ये दवाई देनी है उसको। तो बुद्धि के स्तर पे सबसे पहले समझना है। तो जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उससे हमारी बुद्धि जो होती है वो परिपक्व हो जाती है, जैसे माँ समझ जाती है कि दवाई लेनी है। उसके बाद में क्या है, जो दवाई है वो भक्ति है। तो भले ही हमें अच्छा लगे ना लगे, बौद्धिक स्तर पे इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन के साथ जब हम डिवोशनल एप्लीकेशन मतलब भक्ति का पालन अनुशीलन करने लगते हैं, तो मुझे जप करने की इच्छा हो ना हो, कीर्तन करने की इच्छा हो ना हो, सत्संग करने की इच्छा हो ना हो, पर भी मैं एक नियम के रूप से ही करूँगा। दवाई हम जैसे लेते हैं नियम के रूप से, तो क्या होता है उससे वो बच्चा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हम भक्ति करते रहेंगे बुद्धि के आधार पर, हमारा दृढ़ संकल्प बनाकर, तो फिर उससे शुद्धिकरण हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इन डिवोशन इज़ द की फॉर प्योरिफिकेशन। जितना हम नियमित रूप से अगर दवाई लेते रहेगा व्यक्ति तो फिर ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम नियमित रूप से भक्ति करते रहेंगे तो फिर उससे हम शुद्ध हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी इन डिवोशन इज़ द की टू प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट अभी मैं लेता हूँ। आखिरी पॉइंट यहाँ पे था कि कैसे जब असुर होते हैं वह जब युद्ध करते सरल रूप से अगर जीत नहीं पाते हैं तो फिर क्या होता है, वो अदृश्य रूप से मायावी रूपों से आक्रमण करने लगते हैं। तो वैसे भी क्या है, हमारा मन भी एक तरह से अभक्त है, हमारे मन में भी बहुत से असुरी प्रवृत्तियां हैं। तो क्या होता है, कभी कभी तो मन हमें सीधा प्रलोभन करता है,
ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, पर जब सीधे प्रलोभन से हम सुनते नहीं हैं तो मन क्या करता है, तिरछा प्रलोभन करता है, माया के क्या अदृश्य रूप से प्रलोभन करता है। क्या है कि हमारे अंदर से प्रधान रूप से हमारे भक्ति में दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं, एक है इच्छा और दूसरा है संशय। संशय डाउट, डिजायर एंड डाउट आर द टू एनिमीज ऑफ डिवोशन। कि एक तो अभी इच्छा आ जाती है, किसी में काम वासना आ गई, लोभ आ गया, क्रोध आ गया, हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये तो क्या है, ये भक्ति के प्रतिकूल है। या जब जब कोई इच्छा आ जाती है तो उससे थोड़ी नम्रता आती है, मैं अरे मुझे और मैं इतना बद्ध हूँ, मैं इतना अशुद्ध हूँ, ये शुद्ध होना चाहिए, वो भाव आ जाता है। पर जब संशय आता है तो संशय से नम्रता नहीं आती है, संशय से लगता है कि गर्व आ जाता है। क्या है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं संशय कर सकता हूँ, ये लोग इतने सेंटिमेंटल है, ये इतने भावुक है, इनकी बुद्धि कुछ है ही नहीं, इसीलिए इनमें कोई संशय नहीं आ रहा है। तो जो संशय आते हैं हमारे जीवन में, हमें वो भी समझना है कि एक माया का ही एक आक्रमण है। और वो अदृश्य क्यों है, क्योंकि वो आक्रमण जैसे नहीं लगता है, वो क्या लगता है, अरे मैं इतना बुद्धिमान हूँ, ये लोगों को संशय नहीं आ रहा है, मुझे आता है संशय। तो जब ऐसे भाव होता है तो हमें भी समझना चाहिए कि ये भी एक आक्रमण ही है। और इसका निवारण कैसे करना है, जब संशय आता है तो उसको दबाना नहीं है, पर जो व्यक्ति हमें उस संशय का निवारण कर सकते हैं उनसे बात करना है। तो जो संशय होता है वह जब आता है क्या करता है, एक तरह से अभी यहाँ पे हम हैं, भगवान यहाँ पे, तो इच्छा क्या करती है, हमें भगवान से दूर खींच के ले जाती है। तो भगवान से हम दूर एक पद से आएगी, इच्छा हमें खींच लेगी। पर जो जो संशय होता है वो क्या करता है, वो खींचता नहीं हमें, पर वो दीवार बना देता है, हमें और भगवान के बीच में दीवार बना देता है। और फिर दीवार से क्या होता है, हमारा भगवान से कुछ संपर्क नहीं होता है, जब भी करते तो हम कुछ भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, भक्ति भाव नहीं रहता है, और फिर वो जब दीवार के कारण जब संबंध नहीं होता तो अपने आप दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए ये दीवार जब उत्पन्न हो जाता है वह भी एक माया का ही एक आक्रमण है। और तभी हमें क्या करना चाहिए, जो ऐसे भक्त हमारे संशय का निवारण कर सकते हैं, जो उनसे बातचीत करनी चाहिए। कोई साधारण भक्त से बातचीत करेंगे तो क्या होगा, तुमको इतना मुझे लगा तुम इतने अच्छे भक्त हो, तुमको इतने संशय आते हैं, कैसे भक्त हो तुम, अगर वैसे बोलेंगे तो क्या होगा, तो फिर हम और खुद को बंद कर लेंगे और संशय किसी को बताएगा नहीं। पर वैसे नहीं होना चाहिए, संशय अगर आ रहे हैं तो उनका निवारण करना चाहिए। और उचित भक्तों से जब बातचीत करते हैं तो फिर क्या होता है, जो वो भी अस्त्र है उसका भी हमें निवारण कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भागवत में से बताया कि संशय आना यह भी एक बुद्धि का ही लक्षण है, अतः संशयो विपर्यास स्वाप स्मृति निश्चय, कि व्यक्ति अगर बुद्धि नहीं है तो संशय नहीं आएगा। मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट दिखता है कि आप ये खरीदो आप ये खुश हो जाओगे, तो व्यक्ति की बुद्धि नहीं तो मैं खरीद लूँगा खुश हो जाऊँगा, तो बुद्धिमान सोचता है कि सही में ही ऐसे होगा, तो बुद्धि ज़रूरी है। तो बुद्धि का एक लक्षण यह है कि संशय भी करना, पर अगर हम इसके संशय करते रह गए तो फिर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए संशयों का निवारण करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक आज थैंक यू बोलिए। हाउ टू मेंटेन और इंक्रीज आवर एंथुसिएज्म इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारा कृष्ण भावना में उत्साह कैसे बढ़ाए हम, जैसे है उत्साह जो है वह एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट के समान नहीं है, वह स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डाला उसके समान है। जो फिक्स डिपॉजिट एक बार डाल दिया उतना ही रहेगा, पर जो स्टॉक में पैसा कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो इसीलिए हमें दो चीज़ें होती हैं, एक है कि वो ऐसे चीज़ों को देखे कि किन चीज़ों से मेरा उत्साह बढ़ता है। शायद कोई ऐसे भक्त होते हैं कि इनके संग से हमको प्रेरणा मिलती है, कुछ भगवान का दर्शन लेते हैं उसे प्रेरणा मिलती है, कुछ कीर्तन सुनने से प्रेरणा मिलती है। तो हमें देखना है ऐसा है, खुद के जांच करके किन चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिलती है उनकी एक ऐसी लिस्ट बनानी है। और ऐसे एक भी चीज़ अगर होगी तो उसके लिए रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि शब्द इस्तेमाल करते हैं, उद्दीपन। उद्दीपन मतलब स्पिरिचुअल स्टिम्यूलस, कि क्या चीज़ है जिससे मुझे भगवान की भक्ति करने में प्रेरणा मिलती है। तो वह अलग अलग लोगों के लिए अलग होगा।
कुछ लोगों के लिए अगर श्लोक याद करते तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कीर्तन भजन सुनते तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है और जो चीज़ें भक्ति है, ये मान लीजिए अगर दो सर्कल है तो इन दोनों का समन्वय कहाँ हो रहा है हम देख सकते हैं, और उन चीज़ों में अगर एक भी चीज़ मिल गई तो उसको हम जोर दे सकते हैं और उसके द्वारा अग्रसर हो सकते हैं भक्ति में। और दूसरा है कि जो उत्साह है वह एक तरह से कमिटमेंट से अपने आप आ जाएगा। कि समटाइम्स हमको ऐसा लगता है कि सो इंग्लिश में कहते हैं डोंट फील योर वे टू एक्शंस, एक्ट योर वे टू फीलिंग्स। मतलब क्या कि अच्छा मुझे जब करना अच्छा लगता है इसे मैं जब करूँगा, तो वो उत्साह है मुझे लगेगा। पर जब करना अच्छा नहीं लगता क्यों करूँ, जब शास्त्रों का अध्ययन अच्छा नहीं लगता क्यों करूँ मैं शास्त्र। पर ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम जो बाह्य कार्य करते हैं तो बाह्य कार्य करने से अंतरंग भावना आ जाती है। ये मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अभी मेरा पैर इस कुर्सी के ऊपर रखता हूँ, ऊपर ऐसे करता हूँ और ऐसे बैठ जाता हूँ और कहता हूँ मैं बहुत नम्रता महसूस कर रहा हूँ। अभी संभव है ऐसे अभी ऐसे भाव में बैठूंगा तो क्या हो जाएगा, नम्रता नहीं आएगी, बॉसी भाव है। तो जो हमारा एक्सटर्नल होता है उससे इंटरनल्स में भी प्रभाव होता है। तो अगर तो उस तरह से क्या है, तो जब अगर कोई नम्रता अगर हाथ जोड़ के प्रणाम भगवान के साथ प्रणाम करते हैं तो फिर क्या होता है उससे नम्रता आती है। तो केवल उतना करने से ही नम्रता आएगी ऐसे नहीं है, पर हमको अंतरंग भावना होने की इच्छा भी होनी चाहिए। बट सिर्फ अंतरंग भावना की इच्छा अगर वो छोटी इच्छा होगी, पर अंतरंग थोड़ी सी भी इच्छा क्यों ना हो उसके साथ हम बाह्य कार्य करते हैं, अभ्यास। हाँ, अभ्यास करते बाह्य कार्य, बाह्य कार्य अगर वो अंतरंग इच्छा पूरी बिल्कुल है ही नहीं और लाने की इच्छा भी नहीं है उसके साथ अगर बाह्य कार्य करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग मंदिर में आते हैं ऐसे, कोई जैसे बॉम्बे में हमारा जुहू मंदिर है, वो हॉलीवुड स्टार बॉलीवुड स्टार जो है उनके घर काफ़ी घरों के पास में ही है, तो जन्माष्टमी के दिन कई बॉलीवुड स्टार वहाँ पर आ जाते हैं। अभी कुछ उनमें से कुछ में भक्तिभाव भी हो सकता है, पर अनेक जो आते हैं वो फिर आके अपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डालते कि मैं इस्कॉन के जन्माष्टमी को इस्कॉन मंदिर में गया था, और फिर लोग कहते हैं अच्छा आप इतने बड़े स्टार हो फिर भी आप इतने अच्छे भी हो मंदिर में भी आते हो। तो अभी वो लोग मंदिर में दर्शन लेने जा रहे हैं या दर्शन देने जा रहे हैं पता नहीं हमें। तो क्या है, अगर किसी को इच्छा है ही नहीं भगवान का दर्शन करने की, फिर सिर्फ सोशल इमेज बनाने के लिए आ रहा है तो फिर वो अच्छा नहीं है। पर थोड़ी सी इच्छा है, भक्ति भाव है, पर अभी करने की इच्छा नहीं हो रही है, जानता हूँ ये अच्छा है पर अभी इच्छा नहीं करने की, तो फिर वो कार्य बाहर से करेंगे एक कमिटेड पद्धति से, तो फिर क्या होगा उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब थोड़ी सी इच्छा है उसे थोड़ा सा कार्य करते हैं, वो थोड़ा सा कार्य करने से थोड़ी सी इच्छा और बढ़ जाती है, थोड़ी सी इच्छा और बढ़ जाती है फिर थोड़ा और कार्य करते हैं, और फिर उसी तरह से ये जो आगे बढ़ते रहता है। तो इसीलिए हमें एक तरह से ढूंढना है किस चीज़ से मुझे उत्साह मिलता है, और दूसरा है उत्साह का भाव नहीं भी होगा तो भी कार्य करेंगे जितना उत्साह है उसके साथ तो उससे उत्साह बढ़ जाएगा। Oh, I not heard. It's Prabhupada quote, huh? Yeah. It's in the calendar, in the daily calendar we read, no? Oh, okay. So habit is our second nature. अपने nature से आप नहीं कर सकते, लेकिन habit से करेंगे तो वो एक second nature. You're taking the help of second nature. Yes, very perfect. Nice. And even the modern acharyas say, fake it till you make it. Beautiful. Yes. So, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज भागवतम की जय। पाद की जय। यू एक्सप्लेन्ड इट सो नाइसली।